अंकिता हत्या कांड को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित नगरवासियों ने पौड़ी की सड़कों पर चक्का जाम प्रदर्शन किया और दुकानें बंद रखी। वहीं आक्रोशित लोगों ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। अंकिता हत्याकांड के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय पौड़ी बस स्टेशन के पास आम लोगों और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। वहीं सतपुली में भी जनता ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों ने तहसील परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी कर दोषियों को फांसी देने की मांग की है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। कि जिस तरह से ये बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस कार्यक्रम में हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक बेटी के साथ बहुत ही गलत हुआ है और जिस तरीके से सभी यहाँ पे खड़े हो रखे हैं और मांग कर रहे हैं कि एक बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भी हम उसके लिए जस्टिस चाहते हैं, जो उसके दुष्कर्मी थे जिन्होंने उसके साथ ऐसे गलत काम किया है उनको फांसी दी जाए। राज्य सरकार से सिर्फ हम यही निवेदन करते हैं कि हमें जान के बदले जान चाहिए और अंकिता के हत्यारों को फांसी चाहिए। बिल्कुल, जैसे शुरुआत में जो हालात थे, जैसे कि अंकिता के पिता ने बताया कि पटवारी द्वारा उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया गया और पटवारी द्वारा इस पर लाग लपेट करते हुए इस केस को उलझाया गया था, लेकिन उसके बाद जब मीडिया से दबाव बना, स्थानीय लोगों के कारण दबाव बना, उसके बाद जो ये रेगुलर पुलिस को जांच गई और उसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुए। और उसके इससे पहले जैसे कि देखने में आ रहा था कि जो राज्य मंत्री खुद मीडिया में बयान देता है कि मेरा बेटा इसमें संलिप्त नहीं है और अंततः वही आरोपी पाया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसको बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसको पकड़ा गया। तो अभी भी जो धाराएं कुछ कम लगाई गई हैं उनको लगाना, उन धाराओं को पूरा करते हुए अब बॉडी भी मिल चुकी है, शव की शिनाख्त होगी, उसमें पीएम होगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें खुलेंगी और लगातार पूरी जनता, जो पौड़ी की जनता है, उसकी यही मांग है कि इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य करने से पहले सोचे।